देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर लोगों पर कहर बरपा रही है। देश में संक्रमण के मामले बीते 6 दिनों से लगातार 3 लाख से ज्यादा आए हैं, लेकिन बीते 24 घंटों में सामने आए दैनिक मामलों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। अगर ये गिरावट लगातार बनी रहेगी तो देश में उम्मीद की किरण जाग सकती है। महामारी की शुरुआत के बाद से अप्रैल 2021 सबसे घातक महीना साबित हुआ है। इस महीने में हुई मौतों का आधे से ज्यादा हिस्सा बीते एक सप्ताह में आया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्यों को स्थानीय स्तर पर गहन कंटेनमेंट ढांचा लागू करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में 3,23,144 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। देश में आज संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,76,36,307 हो गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर गिरकर 82.54% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 2,771 लोगों की जान चली गई है, जबकि देश में अभी तक 1,97,894 लोगों की जान गई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। ये संख्या बढ़कर 28,82,204 हो गई है, जो कुल संक्रमितों का 16.34% है। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कोरोना से ठीक होने की दर गिरकर 82.54% हो गई है। देश में एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार टीकाकरण अभियान भी तेजी से चला रही है। जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत देश में अभी तक 14,52,71,186 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि देश में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा। बीते दिनों मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों के परिणाम आने पर जश्न मनाने पर रोक लगा दी। इस दौरान जीते हुए उम्मीदवार को 2 लोगों के साथ ही सर्टिफिकेट लेने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। बंगाल में एक चरण का मतदान अभी बाकी है, 29 अप्रैल को 8वें और आखिरी चरण का चुनाव होना है। गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी को लेकर लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। मंत्रालय ने कहा कि देश में चिकित्सा ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है, ज्यादा मांग वाले क्षेत्रों में इनकी आपूर्ति करने के मुद्दे के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। देश भर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमानों और ट्रेनों की मदद ली जा रही है। हमारे पास ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है, मुद्दा ढुलाई का है, जिसका समाधान करने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से मचे हाहाकार के बीच सियासत भी चरम पर है। वैक्सीन की कीमत, लॉकडाउन, ऑक्सीजन की उपलब्धता और मजदूर पलायन जैसे मामले में केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। संकट के इस दौर में सियासी एकजुटता हवा हो गई है। कोरोना से निपटने के मामले में राज्य और केंद्र अलग अलग रणनीति अपना रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों ने जहां लॉकडाउन का विकल्प चुना है, तो वहीं भाजपा शासित राज्यों ने अभी तक लॉकडाउन से परहेज किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।